हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आई हूँ। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर इस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इसे व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत की कहानी के साथ ही गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण कर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिला उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी समझाया कि इतने में सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी थी। अंत में एक बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, चल बेटा, तेरे साथ में तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने को चढ़ा दिया। दूध ऐसे उफान आया कि छोटा बर्तन कम पड़ गया। बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा के मुंह में भी पानी आ रहा था। उसकी खीर खाने को इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने आई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो कुछ खाने के लिए ही नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने अब तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर ख़त्म नहीं हुई, भंडार भरा ही था। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा वैसे ही हमारा घर भंडार से सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।